हेलो एंड वेलकम टू दी वीडियो फ्रेंड्स। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हमें ऋषिकेश में, आज जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है मसूरी। ऋषिकेश टू मसूरी जो डिस्टेंस है वो लगभग 85 टू 90 किलोमीटर का। तो ये पूरी जर्नी ऋषिकेश टू मसूरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं और अभी मैं आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ ऋषिकेश की कितनी अच्छी है। ये ऋषिकेश की सराउंडिंग है, पार्किंग एरिया है और ये राम झूला के एकदम नज़दीक है। आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड में जो है पहाड़ी पहाड़ है, जंगल है मेरी लेफ्ट साइड में। और यहाँ से अब चलते हैं मसूरी। तो गाइस अभी देहरादून में हैं और रुके हैं लेमन सोडा पीने, बहुत प्यास लग रही है। और मसूरी अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर और है देहरादून से। मैडम को दिख गया लीची वाला, अब लीची लेने जा रहे हैं। कभी देहरादून आओ ना तो लीची जरूर खा के जाना। यहाँ हर घर में लीचियों के बागान लगे हुए हैं, हर एक घर में लीची का एक ना एक पेड़ तो जरूर होगा। बहुत फेमस है देहरादून की लीचियाँ। मसूरी यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर और मसूरी जाते वक्त ये शिवजी जी का बड़ा सा मंदिर पड़ता है हमारी राइट साइड को, बड़ा फेमस है ये मसूरी रोड में शिवजी जी का मंदिर। जो कोई भी मसूरी आया हुआ है उसको पता होगा इस मंदिर के बारे में। हाँ, मंकी भी मिलते हैं इस मंदिर में। तो अभी तो टाइम कम है तो हम जा नहीं पा रहे वापसी में, मसूरी से आते वक्त अगर टाइम रहा तो हम जरूर विजिट करेंगे। अब 20 किलोमीटर और रह गया, पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है मसूरी के लिए और लगभग एक घंटा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि पहाड़ है तो 20 किलोमीटर एक घंटा तो लगेगा ही। अब मसूरी 15 किलोमीटर दूर रह गया है और एक पोस्ट आ गया है, इसमें शायद पर्ची कटेगी गाड़ियों की। कितने का है? 60 रुपए की। ये 60 रुपए की पर्ची कटी है मसूरी से 15 किलोमीटर पहले एंट्री के लिए, 60 रुपीज। गाइस देखो कितनी ऊपर आ गए हम, और नीचे क्या दिख रहा है हमें, देहरादून सिटी दिख रही है नीचे। और मसूरी जाने के लिए कितना जाम लग रहा है देखो। तो अब साइन बोर्ड दिखा रहा है मसूरी 8 किलोमीटर और कैंपटी फॉल 23 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो होटल है वो लगभग 13 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो मॉल रोड का दिखा रहा है, गांधी चौक का, और हमें जो जाना है वो जाना है थोड़ा आगे। मसूरी के मॉल रोड में ही हमने होटल बुकिंग कर रखी है लेकिन वो थोड़ा आगे है, वो सामने टॉप में मसूरी दिखता हुआ, वहाँ जाना है हमको टॉप में। और ये दिख रहा तो पास है कि पास है, लेकिन ये 10 किलोमीटर दूर है अभी। अब मसूरी केवल 2 किलोमीटर दूर रह गया, और जो लोग मसूरी आ रखे हैं उनको पता है कि लेफ्ट मुड़ते ही एक पेट्रोल पंप आएगा जो कि मसूरी का पेट्रोल पंप है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लाइब्रेरी चौक लेफ्ट, कैंपटी फॉल लेफ्ट, माल रोड स्ट्रेट, हमें तो लेफ्ट जाना है होटल में। ये सामने पेट्रोल पंप है मसूरी का। गाइस मसूरी ओनली 1 किलोमीटर दूर रह गया और छुट्टियों में आने का नतीजा वो दूर तक लाइन ही लाइन दिख रही है। पिछले आधे घंटे से लगता है केवल 50 या 60 मीटर आगे चले होंगे, और पीछे देखो जाम ही जाम, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। अब कोर माल रोड एरिया में पहुंचने वाले हैं मसूरी के, और जाम ही जाम है, गाड़ी ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बार बार पीछे को जा रही है गाड़ी। एक बार गाड़ी रुक जाती है ना, जो जो पहाड़ों में ड्राइव करते हैं उनको पता होगा बड़े ट्रेन ड्राइवर चाहिए, और खासकर ऐसी रोड में। अब आगे से हमको यू टर्न लेना है, ठंडी हो चुकी है। माल रोड है, मेन माल रोड, ठंडी हवा चल रही है, हवा भी ठंडी हो गई है, भले ही धूप लग रही हो लेकिन हवा ठंडी है बहुत।
मेन मॉल रोड में एंट्री लेने के लिए 150 रुपीज लगे हैं कार के। I remember you.